माँ लक्ष्मी का साथ हो, सरस्वती का हाथ हो और घर में गणेश जी का निवास हो तो आपके घर में प्रकाश ही प्रकाश हो। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। मैं हूँ आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं JNI न्यूज चैनल। इस वक्त मैं पहुँचा हूँ घंटाघर प्रतापगढ़ चौक पे, जो अब भरत चौक के नाम से जाना जाता है। तो आज है दिवाली, पूरे विश्व में आज दिवाली मनाई जा रही है और लोग उत्साहित हैं। और शाम को जो दिवाली मनाई जाएगी, लक्ष्मी पूजन होगा, गणेश जी का पूजन होगा, उसमें आज दिवाली मनाई जा रही है। तो हम लोगों से यहाँ पे रिव्यू लेंगे और पूछेंगे कि पिछली दिवाली से इस दिवाली में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट हुआ है, लोगों में क्या श्रद्धा है, पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए और हमारे चैनल को आप। हमारे साथ चाचा जी हैं और यहाँ पे इनकी फूल की दुकान लगी हुई है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता जी हैं। तो आप जो है कितना फूल लाए थे सुबह से? हम सुबह से बनारस गए थे, वहाँ से फूल लाए हैं, सुबह से दुकान लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आपका कितना बिक गया कुछ? अरे हो गई दुकानदारी। पिछले साल भी लगाए थे? पिछले साल भी लगाए थे, हम हर साल लगाते हैं। अच्छा, पिछले 20 साल से लगा रहे हैं। तो प्रॉफिट है? हाँ है। दिवाली अच्छे से मन जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए देखिए भैया, विनोद गुप्ता जी हैं, इनकी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी। और मैं ऊपर वाले से विनती करूँ, जितने भी हमारे गरीब बंधु के हैं, जो भी यहाँ पे लगाए हैं, सबकी दिवाली अच्छी हो। तो आइए हम कुछ और लोगों के साथ। दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, लगभग 70 के आसपास आपकी उम्र होगी चाचा जी? 82 साल उम्र है दादाजी की। और ये मिट्टी के जो है, अब ये देखिए, जैसे जतोला होता है, कोसा होते, दियाली होती है, मिट्टी की चीज़ें बनी होती हैं और लेके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इनकी दिवाली अच्छी हो, कि बच्चे जो हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे होंगे तो हर आदमी सोचता है हमारी दिवाली अच्छी हो। दादाजी कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सदर बाजार करोटी मोहल्ला। अच्छा अच्छा। तो राम लखन आज ही लगाए हैं इसको? नहीं, आज 3 रोज हो गए। तो बिक गया है? हाँ, थोड़ा सा। दिवाली अच्छी होगी आपकी? हाँ। तो चलिए दादा जी भी जो मिट्टी के जो बर्तन यहाँ पे लगाए थे, दिवाली हुआ कुछ सा, वो जो भी हमारे दीपावली के दिन प्रयोग होता है, तो लोगों ने खरीदारी की है और इससे ये पता चलता है कि कम से कम 50% 60% लोग तो चाइना LED का बहिष्कार कर रहे हैं और लोग जो है मिट्टी के जो हमारे जो बनी होती है बर्तन, इसको खरीदारी कर रहे हैं। जैसे चाचा लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बाहर से आए हैं, यहाँ पे दीपक बेच रहे हैं मिट्टी के बनाए हुए, उनके घर में दिवाली अच्छी हो। तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो गरीबों के घर में दिवाली अच्छी होगी। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा और लोग रख के जो है मूर्ति रख के पूजन करते हैं और देखिए इनका विशेष महत्व होता है दीपावली के दिन विशेष। देखिए छोटू भैया हैं, देख लीजिए बैग टंगी हुई है और जो है अपना जो है इनका रोजगार है। इनके पिताजी रहते हैं ना बेटा यहाँ पे? के पिताजी रहते हैं बेटा, देखिए पूरी जिम्मेदारी से संभाला हुआ है। तो कितना बेच दियो बेटा? कितना बेच दियो? अभी 180 बेचे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु प्रजापति। प्रियांशु प्रजापति नाम है भैया। तो कई डो बेचे हो भैया? हाँ, तो आप भी पूजा करते हो दिवाली दिन? पटाखा उटाखा खरीदोगे? दिवाली अच्छे से मनेगी आपकी, कमा लिए हो ना? चलो स्कूल भी जाते होगे? ठीक। देखिए छोटा सा बच्चा है और जो है दीपावली पे जो है तो लक्ष्मी माता की और बजरंग बली की जो भी मूर्तियां हैं यहाँ पे रखी गई हैं और ये इतनी सी उम्र में बेच रहा है, क्योंकि इसकी दिवाली अच्छी हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी दिवाली अच्छा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। भाई दिवाली चाहे कोई भी त्यौहार, पैसों किससे होते हैं, पैसा है तो त्यौहार है, पैसा नहीं है त्यौहार नहीं है। तो आप लोग जो है जैसे मिट्टी की दी हुई है और मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को आप लोग ज़्यादा प्रयोग करें और जिससे एक समाज में अच्छा संदेश जाए और हमारी जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे जो स्वदेशी हमारे देश के बने हुए हैं चीज़ उनको खरीद करें और चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें। मैं आनंद मिश्रा, JNI न्यूज़ चैनल, प्रतापगढ़।